गुरु गुड़ तो चेले शक्कर। मोदी जी ने पीएम केयर फंड घोटाला कर अपने चेलों को आपदा में अवसर के साथ आस्था में अवसर का गुरुमंत्र दे दिया है। उनके चेलों ने मास्क, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन घोटाले तो किए ही, अब राम मंदिर निर्माण में भी घोटाले कर रहे हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक चंपत राय ने जिस हरीश पाठक से जमीन का सौदा किया वह पुलिस रिपोर्ट में धोखाधड़ी का आरोप है और फरार है। हरीश पाठक के ऊपर 2016 से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इनके घर की कुर्की कर चुकी है। फिलहाल वो इन मामलों में पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फरार है। मजे की बात है कि यही भगोड़ा और धोखाधड़ी का आरोपी हरीश पाठक आकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जमीन बेचता है और आराम से फिर लापता हो जाता है। यही नहीं, जमीन की लिखा पढ़ी के लिए बतौर गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के एक सदस्य अयोध्या फौजाबाद जिले के डीएम भी हैं। संभव है कि कोर्ट में लिखा पढ़ी के दौरान वो भी मौजूद रहे होंगे। पाठक के ऊपर धोखाधड़ी का मामला 2009 में पाठक दंपति और उनके बेटे द्वारा बनाई गई एक कंपनी साकेत गोट फार्मिंग कंपनी से जुड़ा है। इस मामले में हरीश पाठक को साल 2018 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। इसके बाद इनके घर की कुर्की की गई। अयोध्या के कैंट थाने के एक अधिकारी ने हमें बताया वो पाठक केस में सहयोग नहीं कर रहे थे, कोर्ट में भी नहीं आते थे, इसीलिए साल 2018 में उन्हें भगोड़ा घोषित कर उनके घर की कुर्की की गई। वाह मोदी जी वाह।